हमारे सदगुरुजन कभी किसी का बुरा नहीं करते, और जितना कराने के लिए सदगुरुओं के पास जाते हैं वो डांट के भगाते हैं, वो तंत्र मंत्र हुआ करते हैं जो तुच्छ होते हैं, तुच्छ वो उनका बुरा वो करते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं, वो नीच होते हैं। जिनके पास 50 शक्तियां होती हैं, दुष्शक्तियां होती हैं, उनके कारण कई परिवार खराब हो जाते हैं। उनके लिए बचाव है एक ही, वो बचाव है साधारण हर मानव, हर जाति पंथ का संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। साधारण छोटा सा उपाय है, हाथ में एक पान जिसमें मात्र चूना कत्था, सिपाड़ी लाची लौंग रखी हो, और संकल्प लेकर के हनुमान जी को बोल दीजिए, हे हनुमान जी महाराज, जिसने मेरी सिपारी दी है आप हमारी सिपारी ले लीजिए, दुष्टों का भंजन कीजिए। हनुमान जी महाराज पंडों का सरकार उनका समाधान कर देंगे, उनका निवारण कर देंगे। और एक छोटा सा मंत्र बोल दीजिए, ओम हनु हनुमत बीराय नमः, श्री पंडोखर सरकाराय नमः। इतना बोल करके आप तो अमुख व्याधि को लेकर के धैर्य पे खड़े होकर के पूरे मकान में अपना हस्त दायना घुमाइए स्नान दान करके, और हनुमान चालीसा करिए। हनुमान चालीसा करने के पश्चात गेट पे खड़े होकर के दक्षिण दिशा में अपनी हथेली को फूंक दीजिए और चुटकी बजा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं संपूर्ण प्रकार के तंत्र मंत्र उसी समय खत्म हो जाएंगे। हम तो वो उपाय बता देंगे कि अच्छे अच्छे तांत्रिकों के, दुष्ट नीचों के, तुच्छ शक्तियों को जो अर्जित करके, जो 50 शक्तियां हैं भूत योनि की हैं, भूत कोटि की हैं, और उनके काम है 50ों की तरह रक्त पीना, पीप ग्रहण करना, मांस अवक्ष लेना, ऐसी आत्माओं के रूप थर्राते हैं पंडोकर धाम की एक विधि से। और एक विधि करने से हजारों भूत प्रेत बाधाएं 50 शक्तियां पलायन कर जाती हैं, क्योंकि पंडोकर सगर में दैविक शक्तियां हैं, दैविक। पंडोकर सगर में जो विधि है भौतिक बात में अध्यात्म विधि है, और भारतीय संस्कृति के अनुकूल अथर्ववेद ऋग्वेद के अनुसार मंत्र चिकित्सा के माध्यम से समाधान किया जाता है। पंडोकर सका दरबार कोई साधारण दरबार नहीं है, पंडोकर सका दरबार शिक्षा का केंद्र का दरबार है, और यहां से अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे साधक लोक कल्याण जनहित में कार्य करते हैं।